वेलकम टू एग्रीकल्चर स्टडी। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को बनाने का पर्पस है कि आपके साथ कुछ वीडियो शेयर की जाएँ जिनसे आपको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज हो। बट यह वीडियो हर टाइप के बंदे के लिए है, चाहे आप एग्रीकल्चर से हो या ना हो। बट यह वीडियो आपके लिए इंटरटेनमेंट और चेहरे पर स्माइल ज़रूर लाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड डिस्कवर ए नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर। इस एग्रीमेंट को कहते हैं ट्री शेड, जिसे आप शेडिंग कर सकते हैं ट्रीज की। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये ऑर्चर्ड क्लीनर? इस ऑर्चर्ड क्लीनर की हेल्प से आप ऑर्चर्ड को क्लियर कर सकते हैं। इनसे पेड़ हटाए जाते हैं जो डेड हो चुके होते हैं और जिन्हें इंसेक्ट और पेस्ट अटैक कर चुके होते हैं। इससे फ्रूट्स की अच्छी पैदावार होती है। और अब आप देख रहे हैं इस वीडियो में कैसे ये आदमी एक इक्विपमेंट की हेल्प से वीड को रिमूव कर रहा है ऑनियन की फील्ड से। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सिस्टम? इसकी वजह से आप फसलों को काट सकते हैं बड़ी आसानी से। ऐसी लगी यह मशीन? इस मशीन की हेल्प से आप फल को उतार सकते हैं शेकिंग की तरह। इसके नीचे एक चैम्बर बना होता है जिस चैम्बर में फ्रूट्स को कलेक्ट किया जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। दुनिया को चोरी चोरी ला लिया कर चक में होंगे भावे की दुमान दे। दुनिया को चोरी चोरी ला लिया कर मैं तेरे शहर दिया कुड़ियां नू घैंट लगदा तालियां ने जट नू व्याउण वास्ते अब पैसे पूसे बारे बिलो सोचे दुनिया। What do you think? अगर ये मशीन इंडिया में यूज़ की जाए तो कितना अच्छा होगा? लेबर के पैसे भी बचेंगे। रोबोटिक्स एक नई ही टेक्नोलॉजी में आ गया है। रोबोटिक्स की हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कर्नन एक्सट्रैक्शन। अब देखिए ये कितनी सेटिस्फाइंग है देखने में। रिलेशन नहीं ना अज कोई है ना कल कोई है तेरे यार दा कोई कॉम्पिटिशन नहीं। सो कैसी लगी ये रियल इरिगेशन? देखिए इस वीडियो में मजा ही आएगा। So
गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट अब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और हम आपके लिए ऐसी ही ब्यूटीफुल वीडियोस एंड ब्यूटीफुल कंटेंट लाते रहेंगे।